देखो अपना थर्ड लेसन है बस की यात्रा। लेखक का नाम क्या है? हरी शंकर परसाई। ठीक है, देखो इसमें कहानी है। अब ये कहानी क्या है, देखो हम पांच मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। कहाँ जा रहे हैं वो? घूमने जा रहे हैं। कहाँ पर? जबलपुर। जबलपुर से मिलाएगी ट्रेन को, जिससे बस में जा रहे हैं। तो वो कह रहा है हम पांच मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। उन्हें कहाँ जाना है? पन्ना। पन्ना से एमपी में है, उधर से पहुंचाएगी बस उन्हें सतना के लिए। एक एक घंटे में बस चलती है। वो उनको किससे मिलाएगी? जबलपुर वाली ट्रेन पर पहुंचा देगी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हमें सुबह काम पर हाजिर होना है, हाजिर मीन्स उपस्थित होना है, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी, समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस ही क्या है, डाइन है। डाइन मीन्स क्या होता है? बुरी। लोग क्या सलाह दे रहे हैं लेखक को कि जो शाम को जाती है 4 बजे वाली बस, इसमें लोग बाग सफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि तो बस एक तो खटारा है, कभी भी खराब हो सकती है। एक रात का सफर है, रात में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। आगे देखो, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा मीन्स सम्मान की भावना। बस के प्रति लेखक का क्या आ गया? सम्मान। बस खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध मीन्स बहुत उम्र वाली थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसमें सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था, इसे कष्ट होगा। लोग इसमें क्यों नहीं बैठना चाहते थे कि बस बूढ़ी हो चुकी है, तकलीफ होगी इसे। यह बस पूजा के योग थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हिस्सेदार मीन्स भागीदार, उसके पार्टनर। हमने उनसे पूछा यह बस चलती है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? जी हाँ, और कैसे चलेगी, गजब हो गया। एसी बस अपने आप चलती है। लेखक को क्या हो रहा है? आश्चर्य हो रहा है कि भाई एसी पुरानी, एसी बूढ़ी बस है, उन ज्यादा उम्र वाली है, ये अपने आप कैसे चलेगी? हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा मीन्स क्या होता है? आगे पीछे देखना, कभी आगे की बात, कभी पीछे की बात, आगे पीछे झांकना। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। ये नई बसें चलती है, उससे भी ज्यादा क्या है, विश्वास योग्य बस है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए वो इस तरह देख रहे थे जैसे हमारा सफर कैसा है, वो अंतिम सफर हो, कि हम अंतिम सफर के लिए बैठे हुए हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। उनकी आंखें क्या इशारा कर रही थी कि भाई इस संसार में जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा, चाहे से वो राजा हो या रंग या फकीर, गरीब अमीर, सबको एक दिन जाना है। आदमी को कुछ करने के लिए यही निमित्त चाहिए। निमित्त मीन्स होता है बहाना। आगे देखो, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। जैसे ही ड्राइवर ने स्टार्ट किया बस को, इंजन स्टार्ट हो चुका है गाड़ी का, बस का। जैसे सारे बसी इंजन और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। इंजन स्टार्ट होते ही पूरी बस हिलने लग गई। करीब कांच बहुत कम बचे थे,
जो बचे उनमें हमें बचना था। अब पुरानी बस्ती शीशे टूट चुके थे उसके, लेकिन कुछ शीशे बचे हुए थे, तो लेखक क्या कह रहा है कि जो शीशे बचे हुए थे उन्हें हमसे बचना था, कहीं पर टूट कर हमारे चुभ न जाए। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। लेकर क्या कहता है कि जब गांधी जी के आंदोलन हुए थे तब हो सकता है ये बस जवान हो नहीं हो, उन्हें उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से सहयोग कर रहा था, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बोगी से असहयोग चल रहा था, कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे आगे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी हुई है। लेखक क्या कह रहा है कि जब 10-12 मील आगे बस चलिए 8-10 मील, तब पता चला कि हम बस के ऊपर हैं या बस हमारे ऊपर है, यह पता हमें नहीं चल रहा। आगे देखो, हाई वाला, एकाएक बस रुक गई, अचानक बस रुक गई, हम मालूम हुआ पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। जब पूछा कि भाई बस कैसे रुकी, तो क्या बताया कि भाई पेट्रोल टंकी है वो टूट चुकी है, उसमें छेद हो चुका है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल मिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे को मुंह में दूध की शीशी लगाकर दूध पिलाती है। लेकर क्या कह रहा है कि मुझे ऐसा लगने लगा कि बस का इंजन खराब होगा और उसे भी ये बस वाले अपने बगल में रखेंगे और क्या करेंगे, दूध की तरह जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है उसी तरह उसको भी पेट्रोल पिलाएंगे। बस की रफ्तार 15-20 सर जी, आवाज कम आ रही है, फड़ 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 आ रही है। अब बेटा आवाज कम आ रही है तो अब सही आ रही है ना, फड़ फड़ कर रही है। अब बेटा फड़ फड़ कर रही है उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी तरफ से आ रही है आवाज। ये उसकी किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस अब इससे टकराएगी। मैं निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता, झील दिखती तो सोचता शायद बस इसमें गिर जाएगी। एकाएक बस रुकी, ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर बस नहीं चली। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। जो बस का मालिक बस में बैठा हुआ था वह क्या कह रहा था सवारियों से कि बस में कोई कमी नहीं है, बस तो बिल्कुल एकदम नई के समान है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे में बस बड़ी दयनीय लग रही थी। रात में चांदनी रात में बस पेड़ों की छाया के नीचे ऐसी लग रही थी दया के योग्य, लगता है जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें ग्लानी हो रही थी, ग्लानी मींस क्या होता है, शर्मिंदा। बेचारी पर लगकर अब चले आ रहे हैं, अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत मींस प्राणों का अंत, मर जाना, खत्म हो जाना, तो इस
बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियावान मीन्स क्या होता है, सुनसान जंगल, अंत्येष्टि मीन्स अंतिम संस्कार करना। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और खुद सुधारा, बस आगे चली। इसकी चाल और कम हो गई, धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, चांदनी रात में रास्ता कटोन कर वह रेंगने लगी। आगे से या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकाएक किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। जब कोई आगे पीछे से गाड़ी आती तो बस एक साइड खड़ी हो जाती और क्या कहती कि आप पहले निकलो। एक टायर के ऊपर पहुंचे थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। फिस करके बैठ जाने यानी पंचर हो गया। जब बस एक पुलिया के ऊपर पहुंची तो उसका एक टायर पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई, रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरह पहली श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्बल है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का जो सही उपयोग नहीं हो रहा, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता वहीं पर बाएं पसारे उनका इंतजार करते करते रहते। वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए। वह मर गया पर टायर उसने नहीं बदला। लेखक क्या कह रहा है कि ऐसा जो महान हिस्सेदार है बस का, कि बस में टायर फूटे हुए खराब टायर है, फिर भी वह अपनी जान हथेली पर रखकर उसमें सफर कर रहा है। अगर बस नाले में गिर जाती और वह हिस्सेदार मर जाता तो भगवान भी उससे कहता कि देखो कैसा महान इंसान है, ये अपने प्राण दे दिए लेकिन एक बस के नया टायर नहीं लगवाया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब जो उनके पास एक्स्ट्रा टायर था वो भी कैसा था, घिसा पुराना, अब उसको लगाकर बस फिर आगे बढ़ रही है, बस फिर आगे की तरफ चली। अब हमने वक्त का पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अब लेखक क्या कह रहा है, जब हमने सोच लिया बस पन्ना समय पर नहीं पहुंचेगी तो जबलपुर वाली ट्रेन भी हमें अब नहीं मिलेगी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, पन्ना पहुंचने की बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी लेखक ने, कि हो सकता है हम पूरी जिंदगी न पहुंचे, रास्ते में कहीं पर एक्सीडेंट में मारे जाएं। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता था जिंदगी बस इसी बस में गुजारनी और इसके सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण मीन्स क्या होता है, जाना, इस संसार को छोड़कर उस दूसरे संसार में परलोक चले जाना, भगवान के पास चले जाना। यानी इस पृथ्वी पर उनकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इंतजाम से घर की तरफ बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। ये आया कुछ समझ में, अमित सैनी, समझ आया? यस सर। अंकित सर आ जाएगा? अंकित सैनी, यस सर। डेविड स्नेहा, यस सर, यस सर। ओके, अब देखो अपना लेसन हो गया खत्म। अब ये अपने क्वेश्चन आंसर है। देखो मैं तुम्हें एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ओके, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई,
पुलिया पढ़ा था ना, जैसे ही बस पुलिया के ऊपर पहुंची उसका एक टायर पंचर हो गया और मैंने उसकी तरफ श्रद्धा से देखा कि कैसा महान इंसान है, स्वार्थ के कारण अपने लोभ के कारण बस में नया टायर नहीं डलवा सकता, जबकि अपनी जान हथेली में लेकर इस बस में खुद भी बैठा हुआ है। लोगों ने सलाह दी, समझदार आदमी शाम वाली बस में सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी, देखो लोगों ने यह सलाह इसलिए दी कि इस दयनीय दशा से भली भांति परिचित थे, उनके अनुसार बस का कोई भरोसा नहीं, वह कब और कहां खराब होकर बंद पड़ जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती और रात रास्ते में कहां बिताने पड़े कुछ पता नहीं रहता। इसके खराब होने पर ठीक होने की संभावना भी बिल्कुल न के बराबर है। लोगों के अनुसार यह बस डायन की तरह है, बस कैसी है, डायन की तरह, भूतनी की तरह। ऐसा जैसे सारी बसी इंजन और अब इंजन के भीतर बैठे, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि जब बस का इंजन चालू किया गया तो पूरी बसी झंझना होती। इस कारण लेखक को ऐसा लगा मानो पूरी बसी इंजन है और वह बस के भीतर न बैठकर बस के ऊपर बैठा हुआ है। गजब हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, गजब हो गया, एसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई, क्योंकि वह कैसी लग रही थी, खटारा लग रही थी, टूटी फूटी बिल्कुल। लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई क्योंकि देखने में तो बस अत्यंत पुरानी टूटी फूटी सी लग रही थी। उसे लग रहा था कि बस को चलाने के लिए धक्का लगाना पड़ेगा, किंतु जब बस कंपनी के हिस्सेदार के ने कहा यह बस ने अपने आप ही चलती है तो लेखक चकित हो रहा था। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था। देखो लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि जो भी पेड़ आता उसे देखकर उसको लगता बस कहीं से टकरा न जाए। कर लोगे क्वेश्चन आंसर? यस सर। सर ये फाइव कर लेना बस। ओनली फाइव छोटे हैं, हो जाएंगे। यस सर, ये फाइव है, यहाँ तक करने ज्यादा नहीं है। हेमंत हो जाएगा उम्र सर जी। आपने संस्कृत में भी इतना वर्क दे दिया, ये तो करना पड़ेगा टेस्ट के लिए। अगले महीने इस महीने में लास्ट टेस्ट लग जाएंगे तो क्या लिखोगे, और कल थोड़ी ना चेक कराना है, सैटरडे को चेक कराना है, वो तो कल थोड़ी चेक करवाना है, सैटरडे को चेक करवाना है। कर लोगे आराम से, आज का दिन है। और कौन सा तुम्हें पूरी क्लासे पढ़नी होती है, दो क्लास तो हुई है, इसके अलावा थोड़ी ना कुछ हुआ है। सर पढ़ते ना, आज जो भी है कर लोगे। ज्यादा होमवर्क नहीं है, कर लोगे, तुम समझदार हो ऐसे तो। सर क्लास खत्म हो गई क्या? खत्म नहीं हुई है क्लास, क्यों? होने वाली है। और इनको लर्न भी करने किया करो, रखने के लिए नहीं है कि अपन ने जाके पढ़ लिया रख दिया। ओके सर, हो गया टाइम खत्म। टाइम खत्म सर, हो गया। इनको रिवाइज करो, पाठ को पढ़ो, जो ग्रामर में पढ़ लिया उसको रिवाइज करो, लर्न करो। पढ़ लिया, टेस्ट में सब कुछ दूंगा, और अगर नंबर नहीं आए तो कोई वो नहीं है फिर मेरी तरफ से, इसलिए पढ़ोगे तो मिलेगा सब कुछ, नहीं तो कुछ भी नहीं मिले। ठीक है सर, लीव हो जाए? नहीं। क्या सर लीव हो जाए? सही कह रही है।
ऑटोमेटिक हो जाएगी वो तो समय होते ही, अभी एक मिनट बाकी है, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी।